उन्होंने इतनी टीम रखी हुई है ना, बेसिकली ग्राउंड वर्क उनके पास बिल्कुल जीरो रहता है और उनके पास ये प्लान ही नहीं है कि हमने इतने बंदे रखे क्यों है और हमें करना क्या चाहिए और जदीद तकाजे क्या है हमसे, फार्मर बेसिकली चाहता क्या है। पूरी दुनिया में एक्सटेंशन जो है जरात तोसी का जो शोबा है वो पूरी दुनिया में एक्टिव है, वहां पे उन्होंने बड़े बड़े PhD डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो फार्मर के मसाइल सुन के रिसर्चर तक पहुंचाते हैं और नई टेक्नोलॉजी की इंसेमिनेशन में वो अपना किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ जो है आप जाए एक टेबल लगी होगी उसके पीछे एक जो है वो साहब बैठे होंगे जिन्होंने अच्छी पॉलिश की होगी जूता होता है और जीवन शीवन उसने सही बनाई होगी, बैठा होगा उसे कोई पता नहीं है मेरे अंदर कितना रकबा आ रहा है किस तरह से आ रहा है। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली हम कब तक ये बात इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि एक जो लाख रुपए फीस अपना पे लेने वाला बंदा है वो ही हमारे ज़राअत को ठीक करे। मैं समझता हूँ कि फार्मर को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और ये सीखना चाहिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया है लोग बताते हैं कि हम किस तरीके से साइंसी तकाजों के ऊपर जो है वो अपने ज़राअत को करते हुए पूरे दुनिया को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा फार्मर जो है वो टिकटॉक पे एक खूबसूरत खातून को देखने के लिए तो अपने मोबाइल में पैकेज करवा लेता है। मैं इसके बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ के जरात को हम साइंसी तकादों पे किस तरह से हम बार कर सकते हैं, तो लोग जो है वो इस चीज को देखना पसंद नहीं करते, लोग इस एजुकेशन को लेना ही नहीं चाह रहे हैं। बेसिकली हम जो है वो एक बंदे से एक दफा धोखा खा सकते हैं, हम जितना मर्जी इन पे तबसरा कर लें, जितना मर्जी इन पे प्रोग्राम कर लें, तो बेसिकली हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर को टैकल करते हैं उन बंदों को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, हम चीखे मारते रहे जो मर्जी करें। ये फार्मर को स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा कि मेरी जो फार्मिंग है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है, ऑर्गेनिकली मैं चीजें कौन सी बेहतर कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ तो गाजी साहब सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी वाली बात है, मैं ऐसे फार्मर्स को जानता हूँ जो अपने जमीनों में तनाव डालते हैं, फार्मिंग वो ठेके पे जमीन लेते हैं और एक साल दो साल उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए उसमें तनाव डाल देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाए, हमारी क्रॉप बेहतर हो जाए, बाकी जो जमीन है वो खराब हो जाए, इसके अंदर माइक्रोब्स खराब हो जाए, वो मर जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो जिस तरह से कहते हैं कि जनाब आपके आवाम मौजूद होगी, उस तरह के आपके शोबों के हुक्मरान मौजूद होंगे, हमारी प्रायोरिटी हमारी तरबियत ही नहीं है बेसिकली, क्या हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क में रहते हैं, हमारी लैंड हमारी माँ है, इसको धरती को माँ कहते हैं, लेकिन ये हमने किन किताबों में पढ़ा या सुना होगा इसको समझते नहीं है। मैं समझता हूँ कि फार्मर जो है जो इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप्स लिए जाएंगे कि मेरे जमीनों को बेहतर फर्टिलिटी दे देंगे, मेरी क्रॉप को बेहतर जो है वो रेट्स देंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की कानून साज असम्बलियों में आप 74 साल तारीख उठा के देख लेंगे ज़राअत पे कितनी बात की गई है, ज़राअत पे बात नहीं की जाती, हमारा देखें मुमताज सैन, हमारा नौजवान भी कहेगा कि मैं कोई सरकारी जॉब कर लूं किसी और जगह किसी और शोबे में चले, वो एग्रीकल्चर में जाते नहीं है। आपने माशाल्लाह ज़रई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर ली, लेकिन आपको भी लोगों ने यही कुछ कहा होगा कि कुछ और आप ले लेते, कुछ और तालीम ले लेते। तो आप मुझे बताएं जो मेले लगते हैं हर इलाके के अंदर, इसमें बहुत सा फार्मर जाता है एंजॉय करता है, यहीं पर ये जो महकमा ज़राअत तस्वीर वाले चले जाए, मार्केटिंग भी कर सकते थे, अपना मैसेज भी दे सकते थे, लेकिन बदकिस्मती आपने कहा ये अपने दफातर से निकलते और यही चीजें हम देखते हैं। तो बल मैं अभी दोबारा आ रहा हूँ चौधरी सफी साहब आपकी तरफ ही। सर ये जो आप